Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. असासा चौथ रेफरेंस में इसहाक डार के काबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। वजीर खजाना को 2 नवंबर को पेश होने का हुक्म। आइंदा समाअत पर गैर हाजिर रहे तो जमानत जब्त कर ली जाएगी, अदालत का इंतबाह। मुल्की तारीख जमहूरियत और आमरियत के गिर्द घूम रही है। कुछ खुफिया हाथ फिर जमहूरी अमल में खलल डालना चाहते हैं, मगर हम ये साजिश नाकाम बना देंगे। वजीर दाखिला चौधरी हसन इकबाल का ट्वीट, कहा हर 10 साल बाद आमिर इख्तदार पर काबिज हो जाते हैं। 2020 में क्या होगा ये सवाल भी उठा दिया। नून लीग टूट फूट का शिकार है, शेख रशीद का दावा। कहा 60 अफराद की सोच मुख्तलिफ है। अब हाल ये कि नवाज शरीफ और उनकी जमात मुफाहिमत की सियासत पर आ गए हैं। खुद नवाज शरीफ और उसकी पार्टी महाजराई से बजाय लेट गई है और वो मुफाहमत की पॉलिसी पे आ गई है। पहले मैं 40 कहता था, अब मैं 60 कहता हूँ। और अगर जिसको शक हो वो मेरे साथ आके अलहदगी में बात कर ले। 60 आदमी जॉगर पहन के तैयार है सीटी बजने के इंतजार में। लंदन में पाकिस्तानी सियासी क्यादत की बैठक आज होगी। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ मौजूदा सियासी सूरत हाल पर सलाह मशवरा करेंगे। पनामा की बजाय अकामा पे एक वजीर आजम को निकाल दिया जाए तो फिर कहाँ स्टेबिलिटी। और वजीर आजम को पैनमा के बजाय अकामा पर निकाला जाए तो कहां की खुशहाली। नवाज शरीफ का लंदन पहुंचने पर शिकवा, कहा मुल्क से अंधेरों और दहशतगर्दी का खात्मा किया। मुल्क मजीद अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। नैब किसी मुलजिम के गले में हाथ डालकर फिरता है, किसी को गिरफ्तार कर लेता है। नैब की गिरफ्तारी की पॉलिसी पाकिस्तान में किसी को समझ नहीं आती। 2 साल से मुलजिम गिरफ्तार है, मजीद कितना अरसा जेल में रखना है। इतनी केस सजा में नहीं होती जितना अरसा मुलजमान को जेल में रखा जाता है। मुदारबा केस में जस्टिस अजमत सईद के रिमार्क्स। अरशद वोहरा की पीएसपी में शमूलियत पर एमक्यूएम पाकिस्तान की राबता कमेटी का इजलास आज होगा। पार्टी अपना लाहे अमल तय करेगी। इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। कराची में वजीर आला हाउस के सामने एहतजाज का मुकदमा। सिटी कोर्ट ने फारूक सत्तार समेत एमक्यूएम के 12 रहनुमाओं के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। सिंध पुलिस करप्शन रेफरेंस नैब कोर्ट में साबिक आईजी सिंध गुलाम हैदर जमाली समेत 8 मुलजमान पर फर्द जुर्म आयद। मुलजमान पर गैर कानूनी भर्तियों के जरिए 50 करोड़ की खुर्द बुर्द का इल्जाम है।